अरे प्रताप, हाँ अम्मा, तेरे लिए एक रिश्ता आया है, कम से कम लड़की का फोटो तो देख ले। देख लेंगे ना अम्मा। ये लल्ला तेरी चाय, और ये आपकी, और ये हमारी। अम्मा चाय में क्या डाला है आज? कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है, थोड़ी और दो ना। ले ले, हमें तो इतनी चाय पीने की आदत भी नहीं है। हाँ हाँ, थोड़ी और पी ले, माँ का लाडला। प्रताप, काहे हमारे लल्ला के पीछे लगा रहता है? दिन भर बेचारा पढ़ाई लिखाई करता है, दिमाग तो ताजा रहना चाहिए ना। ठीक है अम्मा, तुम इसे लल्ला लल्ला कह के अपने पल्लू से बांध के ही रखना। अरे कब ये किताबों की दुनिया से बाहर आएगा और कब खेत में हमारी मदद करेगा? भैया अगर मुझे खेती करनी पड़ी ना तो काया पलट दूंगा। पहले तो तू अपनी काया पलट ले, दो दिन से नहाए भी नहीं हो, काया पलटेगा। प्रताप, पढ़ाई में कहाँ खुद का ध्यान रहता है, तुम भी ना बस हमारे लल्ला के पीछे ही लगे रहते हो। और वैसे भी अम्मा, ये पढ़ लिख कर हम इस गाँव और खेती बाड़ी से दूर शहर ले जाने वाला नहीं है, ये हमारे खेत के कीड़े जैसा किताब का कीड़ा है बस। अरे बेटा, कीड़ों से याद आया, हमें कपास में छिड़काव करना है, याद है ना? और बेटा गोपी, तेरा भाई ठीक कह रहा है, अब तुम भी हमारे साथ खेत में हमारी मदद करोगे, ठीक है? शाम को हम कीटनाशक लेने बाजार जाएंगे, तुम भी साथ चलना। ठीक है, बच्चे का बच्चा ही रह गए। बेचारा कितना पढ़ाई भी तो करता है, पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है। राम राम लाला जी। राम राम गोवर्धन बाबू। अरे भाई क्या बात है, आज तो फुल फैमिली के साथ निकले हो और साथ में गोपी भी आया है, बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी पढ़ाई लिखाई करने के बाद में कौन सी टीचरी करवानी है, है? अरे भाई खेत में काम करेगा तो दो पैसों की मदद हो जाएगी। हाँ ये बात तो है। हाँ खैर, हाँ तुम्हारा हिसाब। हाँ गोवर्धन 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 गोवर्धन, हाँ गोवर्धन ये मिल गया। अरे गोवर्धन जी, लाला जी, तुमने तो 40-45 दिन पहले ही कपास की बुवाई की है ना, और पिछले कीटनाशक का छिड़काव करीब 10 दिन पहले ही किया है। हाँ हाँ लाला जी। तो ऐसा करते हैं, इस हफ्ते के लिए तुम्हें दो कीटनाशक ये दे देते हैं, हिसाब से मिलाकर खेत में छिड़क देना, और अगले हफ्ते के लिए दो कीटनाशक और दे देते हैं। लेकिन गोवर्धन एक बात का ख्याल रखना, का? कि एक ही कीटनाशक बार बार खेत में नहीं छिड़कना चाहिए। समझ गए ना? समझ गया। लो भैया ले लो। काका हाँ, वो जो पाउच है उसमें क्या है? अरे बेटा वो लांसर गोल्ड है, पर अभी तुम्हारे बापू के मतलब का नहीं है। क्यों? अरे यार तुम्हारी उम्र छोटी है लेकिन सवाल बहुत बड़े बड़े करते हो। अरे जब हम कह रहे हैं तुम्हारे बापू के मतलब की नहीं है तो नहीं है। तू चुप कर गोपी। अरे जब काका कह रहे हैं तो तू काहे अपनी खोपड़ी लगा रहे? हाँ अरे सब यह इस्तेमाल करते हैं, बेकार की बहस मत कर। अच्छा लाला जी चलते हैं। अच्छा। और भैया राम राम। राम राम भैया। का भैया इतना हैरान परेशान काय हो रहे हो? अरे वही छिड़काव का पचड़ा, इन मजदूरों के नखरे बहुत बढ़ गए हैं, उनके हाथ पैर जोड़ो, फिर पानी का इंतजाम करो, और फिर सही मात्रा में कीटनाशक दवाई मिलाओ। भाई ये तो हर हफ्ते की समस्या है। हाँ थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अच्छा भैया राम राम, चलो चलते राम। इतनी मेहनत के बाद बस ये हाथ आया। मुश्किल से 4-5 महीने का खर्च चलेगा इससे, और फिर साहूकार के आगे हाथ फैलाओ, बस बहुत हो गया। अब इस खेती बाड़ी और गांव में कुछ नहीं रखा है, हमारी मानो तो
शहर चलते हैं। अरे चुप रह शहर शहर शहर। अरे यहाँ अपनी जमीन है, अपने लोग हैं यहाँ, और फिर इतना सारा कर्जा सर पे लाद कर कहाँ जाएंगे शहर? अरे सब चुपटा करके जो बचेगा वो लेके जाएंगे ना शहर। तेरे दिमाग में सचमुच कीड़े पड़ गए हैं। अरे सारा कर्जा चुकता करने के बाद हाथ क्या आएगा घुइया? और वहाँ शहर जाकर क्या खाएंगे? हम यही रहेंगे और मेहनत करेंगे। मेहनत? अरे जितनी मेहनत कर लो ये ससुरा चेपा तेला जू हर साल कपास का सत्यानाश कर देते। मेहनत? अरे तो ठंडे दिमाग से सोचते है ना कोई उपाय। और क्यों भूलता है, अब हमारे साथ गोपी भी है, हम तीनों मिलकर एक। तीनों नहीं, अब अकेले करो जो करना है, हम अभी के अभी जा रहे हैं शहर। अरे तू कहाँ जा रहा है, पगला गया है का? बूढ़े बाप को ई उम्र में छोड़ के जाएगा तू? हाँ बेशरम कहीं को। आज हमें कोई नहीं रोक सकता भैया, हम जाएंगे शहर। भैया प्रताप, भैया सुनो तो। प्रताप बेटा रुक जा, बेटा तेरे बिना मैं अकेला कैसे, तेरे बिना तो मेरे दोनों हाथ कट जाएंगे बेटा। बापू मैं अपाहिज हो जाऊंगा। प्रताप तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। राम राम काका। राम राम काका। अरे गोवर्धन सुना है तुम्हारा बेटा प्रताप शहर भाग गया? भाई ये तो बहुत बुरा हुआ भाई, बेटा बुढ़ापे की लाठी होता है। खैर तुम अभी ये लेके जाओ। हाँ और देखो बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब हिसाब में लिख दूंगा, ठीक है? लेके जाओ काका। ये आम कीटनाशक एक बार में सिर्फ एक किस्म के कीड़े पर ही असर करते हैं, लेकिन कपास में एक साथ दो तीन किस्म के कीड़े लगते हैं, तो उसके लिए आप दो तीन दवाइयां दे देते हो और उनको मिलाकर डालने के लिए कहते हो, लेकिन क्या कितना कैसे मिलाना है उसका हिसाब कभी सही नहीं बैठता। तो क्या जादू की छड़ी दे दूं? छड़ी नहीं, सही दो यानी लेंसर गोल्ड। ये चेपा तेला और जू तीनों पर अकेला ही भारी, इसलिए 100 बातों की एक बात, सिर्फ लेंसर गोल्ड। हम भी अच्छी तरह से जानते हैं कि लांसर गोल्ड बहुत असरदार कीटनाशक है, लेकिन बेटा बुवाई के 2-2.25 महीने बाद डालते हैं। अरे अभी से इतना असरदार कीटनाशक क्यों? काका जब प्यास लगे तभी कुआं खोदोगे क्या? अगर जल्दी पक्का इलाज ना किया तो बाद में हर साल की तरह अपनी किस्मत पे रोते रह जाएंगे। लाओ। चलो ठीक है भैया, ये लो लांसर गोल्ड। आलो। अच्छा बेटा हाँ? राम राम। राम राम। देखो बाप। हाँ बेटा। इस 16 लीटर की टंकी में 25-25 ग्राम के 2 चम्मच लेंसर गोल्ड के डालने। 16 लीटर की टंकी में 25-25 ग्राम के 2 चम्मच। ये पहला और ये दूसरा। दूसरा यानी 50 ग्राम। 50 ग्राम। तो हाँ। एक एकड़ में कितना लगेगा? 25-25 500 ग्राम। हाँ 500 ग्राम। हाँ। और उसके बाद अगले 2 हफ्ते तक का लंबा आराम यानी 15 दिन। हाँ 15 दिन हमें छिड़काव नहीं करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा। मतलब मजदूरों के हाथ भी नहीं जोड़ने पड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? अरे बेटा मतलब पानी का भी बार बार इंतजाम करना ही नहीं है। नहीं। अरे ये तो कमाल है बेटा। और एक बात और। क्या? किसी भी छिड़काव से पहले सुरक्षा नियमों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, जैसे तूने लगाया है। हाँ बाप। अच्छा अब मैं बताता हूँ कि लेंसर गोल्ड काम कैसे करता है। हाँ बेटा। ये छिड़काव करते ही सीधा पौधे के अंदर पहुंच जाता है और ये कीड़े को बड़े अनोखे तरीके से मारता है। ये उनके अंदर पहुंचकर 2 जगह एक साथ हमला करता है। कीड़े समझ ही नहीं पाते कि पहले किससे बचना है और चकराकर मर जाते हैं। मतलब
कीड़े के दिमाग में घुसकर दिमाग ही घुमा देता है। कमाल है बेटा ये तो। चलो चलो बेटा। गोपी बेटा, कपास की ऐसी तंदुरुस्त फसल मैंने पहले कभी नहीं देखी, सच कह रहा हूँ। ये कमाल है लेंसर गोल्ड के फाइटोटोनिक प्रभाव का। हा? क्या फाइटोटोनिक? अरे वो छोड़ो बापू, बस इतना याद रखो कि ये पौधों को हरा भरा बना देता है। ओ अच्छा, होशियार हो गया मेरा बेटा। रुक 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 बेटा, जरा अपने खेत पे नजर डाल। लांसर गोल्ड की मदद से इस बार कैसी खूबसूरत फसल हुई है। बस अब रोने के दिन गए बापू, इस बार अपनी पैदावार देखना। शाबाश मेरे बच्चे। तो समझे ना सब, एक एकड़ में पूरे 500 ग्राम लांसर गोल्ड लगता है। लेकिन भाई, काका तो कहते हैं कि आधे से भी काम चलता है। अच्छा ये बताओ, जब तुम्हारे बेटे को मलेरिया हुआ था और डॉक्टर ने उसे एक गोली देने को कहा था, तो तुमने अपनी मर्जी से उसे आधी गोली दी थी क्या? नहीं नहीं, पूरी दी थी, आखिर बच्चा है हमारा। तो फसल भी तो बच्चे समान ही है, उसके साथ कंजूसी क्यों? और हाँ, इसका इस्तेमाल दूसरे छिड़काव से ही करना चाहिए। लेकिन भैया ये बताइए, दूसरे से ही क्यों? क्योंकि लेंसर गोल्ड बहुत असरदार है, अगर पक्का इलाज जल्दी शुरू हो जाए तो कोई तकलीफ है क्या? और हाँ, अगर कीड़ों का प्रकोप ज्यादा हो तो कई बार छिड़काव कर सकते हैं। कितना भी छिड़काव करो, कितनी बार भी करो, कोई नुकसान नहीं। लेंसर गोल्ड कपास की फसलों के लिए वरदान है, समझे? और हाँ, सारे गणित लगाकर देख लो, साल भर में प्रति एकड़ के हिसाब से यही सबसे सस्ता और असरदार पड़ता है। चाचा राम राम। राम राम। तू गोवर्धन का बेटा प्रताप है ना? हाँ चाचा। बाप को छोड़कर शहर गया था ना? चाचा, हमारे घर पे ताला क्यों लगा है? अब तेरा परिवार यहाँ नहीं रहता। तो कहाँ रहते हैं? यहाँ से सीधे जा, फिर मंदिर से दाएं, अपने आप मिल जाएगा। ठीक है चाचा। राम राम। करने आया है तू? देख देख, मेरे लल्ला ने कितना बड़ा कमाल कर दिखाया। सच में हमारी अकल पे कीड़े पड़ गए थे अम्मा, हो सके तो हमें माफ कर देना। अरे माफ का करना है, ये सब तेरे शहर जाने का ही नतीजा है। उधर तू शहर गया और इधर गोपी ने अपने किताबी कीड़ों को काम पे लगा दिया, और लांसर गोल्ड की मदद से देख देख क्या किया है उसने। शहर जाए। अरे प्रताप भैया, लल्ला मुझे माफ कर दे। लल्ला कैसी बात करते हो भैया, कैसे हो आप? ना कोई खबर ना चिट्ठी। वो सब छोड़, ये बता ये चमत्कार हुआ कैसे? कहा था ना भैया, जिस दिन खेती करूंगा काया पलट दूंगा। कोई मंत्र फुकवाया था क्या?
नहीं भैया, शहर जाकर भी ऐसी अंधविश्वास वाली बातें कुछ नहीं। बस अपने काका से सही सामान यानी लेंसर गोल्ड लेना शुरू कर दिया। ये चेपा तेला जू जैसे चूसक कीड़ों से एक साथ छुटकारा मिल गया। और वो सफेद मक्खी? हाँ, उसके लिए उसी कंपनी का एक नया प्रोडक्ट है, उलाला। उसके बारे में फिर कभी बताऊंगा। पर लल्ला, तुझे ये सब ज्ञान मिला कहां से? कभी कभी आंखें खोलकर अपनी अकल लगाकर सही चुनाव करने की जरूरत होती है भैया। तुमने आंखें मीच कर शहर को चुना और मैंने आंखें खोलकर लेंसर गोल्ड को। बहुत बड़ा हो गया मेरे लल्ला। आपके लिए तो लल्ला ही रहूंगा। हाँ, थोड़ा समझदार हो गया। आइए बापू, अब माफ भी कर दो ना। आप माफ भी कर दीजिए ना। अंत भला तो सब भला, आ जा। यूपीएल का लैंसर गोल्ड, रस चूसक कीड़े अनेक, उपाय सिर्फ एक। मैं राधेश्याम पाटीदार, ग्राम मेनगांव, तहसील खरगोन, पश्चिम मेवाड़ मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने 5 एकड़ में कपास बोया था, जिसमें कि लैंसर गोल्ड का उपयोग किया। उससे हरे मच्छर और माहू का कंट्रोल लंबे समय तक रहा। और उसके बाद में मैंने दोबारा उसका स्प्रे किया 15 दिन के बाद। फिर उसके बाद में 15 दिन का रिजल्ट अच्छा मिला। मैं लैंसर गोल्ड का उपयोग कम से कम 4 से 5 साल से कर रहा हूँ। और प्रति पंप 15 लीटर पानी पे 50 ग्राम लैंसर गोल्ड डाला था, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। किसान भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि लैंसर गोल्ड ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रे करें, ताकि उससे लंबा असर रहता है और ग्रीननेस भी ज़्यादा रहती है फसल के ऊपर। मैं लैंसर गोल्ड से बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि मेरा उत्पादन 20 से 22 क्विंटल मेरे को कम से कम 3 साल से मिल रहा है। और इस साल में अभी तक 20 क्विंटल मिल चुका है और 2 क्विंटल और निकलेगा, तो 22 क्विंटल उत्पादन पर एकड़ हो जाएगा। मैं कृषक राजेश कुमरावत, ग्राम बरूर, तहसील जिला खरगोन, मध्य प्रदेश। मेरे पास पूरा 8 एकड़ जमीन है, पूरी सिंचित है। उसमें मैंने 2 एकड़ चीली लगी है, 6 एकड़ में कॉटन लगाया है, जिसमें लैंसर गोल्ड का मैंने उपयोग किया चीली और कॉटन में। लैंसर गोल्ड का उपयोग करने से मेरे कॉटन का प्रोडक्शन 15 क्विंटल प्रति एकड़ आया है। मैंने कॉटन में 40 से 45 रोज के बाद लैंसर गोल्ड का उपयोग किया, जिससे मेरे थ्रिप्स, महुआ, मच्छर, इनसे मैंने निरात पाया और इससे उससे अच्छा उत्पादन हुआ। और मेरे जो कॉटन और चीली थी उसमें हरापन, ग्रीनेस अच्छी आई, और इससे मैंने 3-4 साल से मैं उपयोग कर रहा हूँ। और किसान भाई उसमें निवेदन करूँगा कि इसका उपयोग करें और अच्छा लाभ उपयोग ले, इससे फसल अच्छे उत्पादन दे और अच्छा लाभ हो। मेरा नाम संतोष पाटीदार है, मैं ग्राम रमन गांव का रहने वाला हूँ। जिला खरगोन और तहसील भी खरगोन है हमारी। मेरे पास 50 एकड़ जमीन है, मैं 30 एकड़ में कपास लगाता हूँ, 10 एकड़ में मिर्ची है और बाकी सोयाबीन और मूंगफली। और मैंने कपास पे और मिर्ची दोनों पे लैंसर गोल्ड का स्प्रे किया है। पौधा हरा भरा रहता है इससे। और लैंसर गोल्ड हमने 4-5 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। लैंसर गोल्ड का रिजल्ट अच्छा है। थ्रिप्स, माहू मच्छर, इन पे सब पे कंट्रोल होता है। आने वाले साल में भी हम यूज करेंगे लैंसर गोल्ड और किसानों को बताएंगे। प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है और यूज करें और उसका लाभ लें। मैं कृषक चंपालाल कुमरावत, ग्राम टांडापुर का निवासी हूँ। मेरे पास जमीन 30 एकड़ है, उसमें से मैंने 20 एकड़ पर काटन का सोइंग किया था। उस पर मुझे प्रति एकड़ 11 क्विंटल का एवरेज मिला। मैंने यूपीएल कंपनी का लैंसर गोल्ड का इस बार उपयोग किया था, जिससे मुझे मेरे खेत पर हरा मच्छर मोवा की निजात पाई एवं मेरी फसल इस वर्ष हरी भरी रही। अन्य किसानों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी इस यूपीएल कंपनी का लैंसर गोल्ड का उपयोग कर इस हरे मच्छर और मवा से निजात पाए। यूपीएल का लैंसर गोल्ड, रस चूसक कीड़े अनेक, उपाय सिर्फ एक।